प्यारी चंद्रिका, मैं तुझसे बेहद बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी एक शिकायत है। अपने ही खून को वृद्ध आश्रम भेजने का विकृत विचार करने वाला बाप कितना मादक। अगर तुझे इस घर में रहने का है ना, ऐसी कई शर्तें मैं आपके सामने रखूंगा, वरना क्या होगा, और बाप साला भेज देगा वृद्ध आश्रम। लाओ लेटर लिखने का है, पत्नी के नाम। मैं चादर फाड़ दूं? ये आदमी आदेश में है। इट इज टाइम टू हैव ए पार्टी। पहले तो ये छोड़ो बोलना बंद करना है। अरे वाह काका, अभी नेक्स्ट शरत क्या रखेंगे? और मेरी आखिरी शर्त ये, नॉन सज्जन बेटा इस घर के दरवाजे के सामने आके खड़ा हो गए ना, तब तू उसे गेट आउट कर दे। वो मेरा बेटा है और बेटे शर्त नहीं होते बाबूजी। मैं वाकई बहुत कुछ कर सकता हूँ। तेरे बेटे को मैं मेरे बेटे के सामने जीतने नहीं दूंगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ, देखिए मैं उसे गेट आउट नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। औलाद नालायक निकले तो उसे भूल जाना चाहिए, सिर्फ उसका बचपन याद रखना चाहिए। भीख, ये भीख है बाबू। मैं भिखारी ही हूँ बाबू जी। आई होप यू अंडरस्टैंड बाबू, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? तो मुझे बाबू को पहले जैसा बनाना है। 20 साल में पहली बार तेरे चेहरे पर हंसी दिखी। बाबू जिंदा है तब तक मरना नहीं।